are still in Vancouver with Vikram Veg. And Vikram ji, there are some kamal ki cheeze yahan par rakhi hui hain. And this is one of your signature dishes, right? I know. It's one of those things. Ye lamb popsicle humne isliye rakha क्योंकि लोग जब आते थे तो नाइफ और फोक से हड्डी वाला मीट खाते थे मैंने कहा यार हाथ से खाओ इवन द क्वीन इज अलाउड टू यूज हर हैंड्स व्हेन शी ईट्स इंडियन फूड सो मैंने उनको लैम्प पॉप्सिकल के नाम से दे दिया ओके और हैं तो वो बेसिकली रैक ऑफ लैम्प उसको हमने उन्होंने फैट को थोड़ा सा ट्रिम करके और वो हाथ से खाया और सॉस जो है वो मेथी क्रीम की सॉस हम लोगों ने बनाई हुई है कसूरी मेथी की स्वाद तो बड़ी है रिच भी बड़ी है और खाने के बाद आप कहोगे कि यार और चाहिए हमको क्या बात है पॉप्सिकल मतलब लॉलीपॉप बना के सॉस के साथ में चलो जी पहले आप ये ले लीजिए मस्टर्ड थोड़ा सा ओके और मस्टर्ड को आप अब वाइन के साथ मिक्स कर दीजिए मस्टर्ड वाइन के साथ इसका आइडिया ये होता है कि ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है ओके तो जब आप उसको मैरिनेट करके रखते हो तो जैसे दही आपको मीट को मैरिनेट करने के बाद थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है इसी तरह से डिजोन और व्हाइट वाइन जो है वो उसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर देती है मतलब ये व्हाइट वाइन हाँ जी ये इसके अंदर डाल दी जाए हाँ जी इतनी डाली जाएगी बस इतनी सी और इसको और इसको बस डिजोन मस्टर्ड एंड व्हाइट वाइन हाँ और इसके अंदर लैम हाँ इसके अंदर आप लैम डाल के आप थोड़ा सा उसको मैरिनेट कर देंगे थोड़ी देर के लिए तो ये जो है lamb chops absolutely right? French cutlet style इसको आप करके मैरिनेट और आप उसको पूरी तरह से अच्छी तरह से you can just do this right इससे वो जो है मस्टर्ड जो है और जो व्हाइट वाइन है वो उसके अंदर सॉफ्ट हो जाएगा बस यही करना है आपने wow. थोड़ा सा कलर ही देना है और कोई खास ऐसी बड़ी बात नहीं है ओके ये हो गए हाँ. और इसको फ्रिज में रख दिया आप दो घंटे चार घंटे तीन घंटे के लिए रख दीजिए लवली चलिए तो ये तो हो गया कनाडा वैंकूवर इतनी बढ़िया घूमने की जगह इतनी सारी जगहें काफ़ी चीज़ें यहाँ पर उगती हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पर चाहे फ्रूट्स हों चाहे यहाँ पर ब्लूबेरीज हों या फिर आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो खाने से रिलेटेड हैं मतलब खाने के आसपास टूरिज़्म भी होता है देखिए लोग घूमने जाते हैं खाना बहुत ज़रूरी होता है अब खाने में चाहे वो आइसक्रीम हो या फिर फल हो या खाना हो या पेस्ट्रीज हो या चाय कॉफ़ी कुछ भी हो खाना तो खाना ही है घूमना है दोनों जब साथ में मिल जाते हैं तो उसके लिए क्या चाहिए सिर्फ एक चीज़ छुट्टी ढेर सारे पैसे सॉस जो है उसको आपने थोड़ा तेल के साथ हाँ तेल को थोड़ा सा गर्म किया चॉप्ड गार्लिक लॉट्स ऑफ चॉप्ड गार्लिक अब इसको आप अच्छी तरह से ब्राउन हो लेने दीजिए लो जी ब्राउन वेरी नाइस अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है उसको जो स्मेल है वो रोस्टिंग की स्मेल आ जाती है उसमें ऑलमोस्ट ओके तो अब इसको कर दिया आपने बंद कम तीखी वाली लाल मिर्च हाँ कम तीखी वाली लाल मिर्च और उसका वो उससे कलर की वाइब्रेंसी आती है राइट हीट की वाइब्रेंसी नहीं आती बिल्कुल अच्छा और थोड़ी सी लाल मिर्च अच्छा अब ये थोड़ा सा डाल दीजिए लेमन जूस उसके अंदर ओ लेमन जूस नींबू का रस आई लव इट गार्लिक एंड लेमन कितना पाइए जी थोड़ा जो और पा दे बस बस पियो बस बस लो मैं पाई दे कोई गाल नहीं राइट ये हो गया डीग्लेज हो गया ना पैन बिल्कुल तो जो आपको काला काला पर नजर आ रहा था वो चला गया इधर से मतलब वो उस सॉस के अंदर मिक्स हो गया ठीक है राइट अब इसको आप क्रीम डाल दीजिए ओके इतनी सी आपने क्रीम डाली हाँ अब उसको थोड़ा सा पक लेन दीजिए ओके जब वो थोड़ी सी पक जाएगी हाँ तो वो जो आपने पपरिका और हल्दी डाली थी ना वो देखिए कलर जो है येलो सा हो जाएगा देखो बिल्कुल इसके बाद आप एक कसूरी मेथी डालिएगा बहुत हो जाएगी राइट या पादी है ना पादी कोई इट बी गुड ओके ठीक है बिकॉज़ इट्स एन एरोमेटिक स्पाइस इट इज राइट तो आप इसके साथ आपने डाल दिया रंग जो है कितना बढ़िया और लास्ट चीज जो डालनी है वो है नमक थोड़ा सा नमक डाल के आप टेस्ट कर लीजिए कि भी आपको कितनी एसिडिटी कितना नमक चाहिए हाँ
बस ठीक है जी। चलो अब वो जब नमक डिसॉल्व हो जाएगा हाँ। तो ये आपकी ग्रेवी बन गई। तो ये जो है जो हमारे लैम चॉप्स हैं ये मैरिनेट हो रहे हैं। दिस लुकिंग गुड। मेरे ख्याल से इसको अब अपने आप इन्फ्यूज होने देते हैं। हाँ, इसको स्लोली इन्फ्यूज होने देते हैं और दूसरे पैन में हम लैम फ्राई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। ठीक है बिल्कुल बन गया। बिल्कुल। तो ये जो है दूसरा पैन। जब आपका तेल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसको ऐसे करके सियर कर सकते हैं। राइट। You can just put the sauce on top of it. इसका juices तो जो lamb के हैं वो तो इसमें ही है ना। बिल्कुल। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो थोड़ा सा sauce बन जाएगी। ठीक है जी। Right? तो इसको जब ये fry हो जाएगा अच्छी तरह से हाँ। गरम हो जाएगा, then the idea would be इसके आप sauce डाल के इसके ऊपर lamb जो है डाल दीजिए। अब ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया इसके अंदर। Looking very good. अब ये जो lamb popsicle है ये शेफ विक्रम विज ने इसलिए इसको इंट्रोड्यूस किया क्योंकि उसको खाने में आसान, क्योंकि हैंडल लगा हुआ है। अब वैसे तो लॉलीपॉप पॉप्सिकल जो हैं वो मीठे होते हैं, अब नाम किसी चीज़ में दे दिया जाए तो लोगों के मुंह पे मुस्कुराहट आती है, रेस्टोरेंट में थोड़ी सी इंट्रीक बढ़ती है। तो घर में भी कोई आप काम कर रहे हैं, कोई खाना बना रहे हैं तो जो डिश का नाम है वो तो थोड़ा सा कुछ इंटरेस्टिंग कर दें, फिर देखिए लोग पसंद करेंगे, कहेंगे हाँ इसमें कुछ तो बात है, कुछ अलग है। वेरी नाइस रेड कलर एंड यू वुड जस्ट प्लेट इट दिस वे राइट। और ये रिच हो जाएगी सॉस और इसके बाद जो है आप लैम को। वेरी नाइस, क्या बात है, एकदम खुशबू बड़ी जबरदस्त आ रही है। लैम पॉप्सिकल, क्रीम का मीठापन, नींबू की खटास, नमक मिर्च और उसके ऊपर कसूरी मेथी और लैम चॉप्स हैंडल के साथ में लॉलीपॉप पॉप्सिकल। नो वंडर दिस इज अ सिग्नेचर डिश। और लाइनें जो लगती हैं वो ऐसे लगनी भी चाहिए।